पास्ता यार काफ़ी बढ़िया है, सॉफ्ट है बिल्कुल इंडियन स्टाइल। एंड अब कर लेते हैं इनके चिकन पॉपकॉर्न। आप देख सकते हैं कि क्रस्ट कितना ज़्यादा बढ़िया पॉपकॉर्न का, मतलब क्रिस्पी क्रिस्पी लग रहा है। एंड आप ये भी देख लीजिए कितना जूसी है चिकन अंदर से। तो आज फिर हम जा रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया आउटलेट पे जिसका नाम है मेपल्स, एंड उनका फूड भी यहाँ पे मुक्सर में काफ़ी मशहूर है। मैं कहा मुक्सर आया हुआ हूँ तो क्यों ना मेपल्स का भी रिव्यू कर दिया जाए फूड, एंड उनका भी फूड आगे खा के देख लिया जाए। मेरा भी फर्स्ट टाइम है, मेरा भाई तो काफ़ी बार गया हुआ है, मेरी सिस्टर भी काफ़ी बार गई हुई है, बट मैं देखता हूँ कि फूड कैसा है। वो तो कह रहे हैं कि फूड बहुत बढ़िया वहाँ का, बट अब वहाँ पे जाके ही पता लगेगा कि उनका फूड कैसा है। तो चलते हैं एंड टेस्ट करते हैं आज मेपल्स का फूड। Felt so alive in my life, 'cause you make me come to life every time I'm free. तो लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो लोकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी मैं आपको बता देता हूँ विशाल मेगा मार्ट के बिल्कुल सामने ये कॉलर का शोरूम है, जिसके साथ है एक बहुत ही बढ़िया आउटलेट मेपल्स। एंड चलो आपको लेके चलते हैं मेपल्स के अंदर। पास्ता यार काफ़ी बढ़िया है, सॉफ्ट है बिल्कुल इंडियन स्टाइल, एंड अच्छी तरह से पका हुआ है। वेजेस काफ़ी डाली हुई हैं बीच में, जैसे कि आप देख सकते हैं कैप्सिकम है बीच में, अनियन है, एंड स्वीट कॉर्न वगैरह भी है। एंड सॉस काफ़ी बढ़िया यार, जो वाइट सॉस है ना वो क्रीमी है काफ़ी, एंड बढ़िया टेस्ट है यार पास्ता का। एंड अब कर लेते हैं इनके चिकन पॉपकॉर्न। आप देख सकते हैं कि क्रस्ट कितना ज़्यादा बढ़िया पॉपकॉर्न का, मतलब क्रिस्पी क्रिस्पी लग रहा है। एंड आप ये भी देख लीजिए कितना जूसी है चिकन अंदर से। एंड अभी कर लेते हैं इसकी टेस्टिंग। भाई KFC के चिकन पॉपकॉर्न की याद आ गई मुझे, मेरे फेवरेट हैं KFC पे हॉट एंड क्रिस्पी एंड चिकन पॉपकॉर्न। एंड यार मतलब मुक्सर में KFC तो नहीं है बट मेपल्स है, अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं KFC जैसे चिकन पॉपकॉर्न तो आप आ सकते हैं मेपल्स पे। एंड इनका अब हम स्पेशल जो है चिकन मेपल बर्गर टेस्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कितना मतलब बड़ा सा लग रहा है हाथ में ही, एंड ओ माय गॉड यार मतलब चिकन की आप क्वांटिटी देख लो इसमें, मतलब पूरा मेरे को तो देख के डर लग रहा है यार, फीलिंग कितनी ज़्यादा की हुई है चिकन की, मेरा तो मुंह भी नहीं इतना खुलेगा। बाकी कोशिश करता हूँ एक बाइट में जितना खा पाता हूँ।
जो इसमें चिकन डाला हुआ है ना वो बिल्कुल इसके जैसा है, क्रिस्पी क्रिस्पी एंड फ्लेवर काफ़ी बढ़िया यार। इसका भी फ्लेवर काफ़ी बढ़िया है एंड इस चिकन का भी फ्लेवर काफ़ी बढ़िया है। जो सॉसेस डाली हुई है ना इसमें आप देख सकते हैं, एक ऑरेंज सी सॉस है एंड एक वाइट सॉस डाली हुई है, उसकी वजह से चिकन का फ्लेवर काफ़ी इनहेंस हो रहा है एंड ओवरऑल बर्गर इज़ वेरी गुड। एंड कोई भी डिश ड्रिंक्स के बिना अधूरी होती है, तो मेरा मतलब वनीला शेक है ये, तो मैं ये टेस्ट करता हूँ। ऑसम। एंड भाई का फेवरेट है ओरियो शेक, तो मैं एक सिप लूँगा यार, मेरा भी फेवरेट है, मैं इसको बख्शने वाला। मैं ये पी रहा हूँ, ये वनीला शेक पिएगा, मेरे को आ गया पसंद ओरियो शेक, तो भाई पिएगा आज वनीला शेक, मैं पीऊँगा ओरियो शेक, मैं तो मज़े लूँगा यार इसके। तो रैप कर लेते हैं टेस्ट, आप देख सकते हैं इसमें टिक्की है, मेरे को थोड़ी सी वाइट सॉस दिख रही है एंड ऑरेंज सॉस भी इसमें दिख रही है, तो देखते हैं अभी टिक्की किस चीज़ की बनी हुई है। वेजी रैप है ये, सॉसेस ज़्यादा नहीं डाली हुई हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है, इसको एक हेल्दी रैप के तौर पे हम मान सकते हैं क्योंकि सॉसेस ज़्यादा नहीं है इसमें। एंड आप देख सकते हैं जो टिक्की है वो बनी हुई है, पोटैटो कैरेट भी है बीच में एंड और भी वेजिटेबल्स हैं। मेरे को फूड तो मतलब हर एक चीज़ बहुत ही बढ़िया लगी एंड अभी हम करते हैं फूड इंजॉय एंड फिर हम ओनर से बात कर लेते हैं थोड़ी। तो हमें एक मतलब पर्सन मिले हैं, बहुत ही अच्छे हैं, समझदार है मेरी तरह, एंड उनका रिव्यू ले लेते हैं कि उनको यहाँ का फूड कैसे लगता है। Like ever since it was open, I have been coming here. Like it has been like 2 or 3 years. I'm a regular customer, and I have tried a lot of food here. And my favorite is double cheeseburger. Okay, double cheeseburger is his favorite thing to eat here. And sir, do you like anything else here? And yeah, pizza quality is pretty much good. Okay, pizza. So this was his review. Thank you so much for agreeing to give a review. And AMA Maples. ਮੁਕਸਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰ ਫੂਡ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗਿਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਫੂਡ ਟੇਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ। ਅਤੇ ਸਰ ਮੇਰੇ ਵਿਊਅਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਪਲੇਸ ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਟਾਈਮਿੰਗ ਸੁਬਾਹ 10 to 10, ਮਤਲਬ ਸੁਬਾਹ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 hours। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤਕਰੀਬਨ? 4th year ਜਾਂਦੇ ਆ। ਓਕੇ 4th year, ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ ਯਾਰ, 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ 2 outlet ਖੋਲ੍ਹੀ, आउटलेट ओपन की एंड फिर उनका अगर बिजनेस नहीं चलता तो वो 2-3 महीने में बंद कर देते हैं, पर अगर 4 साल से कोई ब्रांच चल रही है तो यार फूड ऑब्वियसली बढ़िया होगा, इसीलिए चल रही है। तो थैंक यू सो मच सर प्रोवाइड करने। मेरा एक ही मोटिव है, हर कस्टमर को प्योरिटी तौर पे बढ़िया क्वांटिटी और क्वालिटी। सर बढ़िया क्वांटिटी, सानू बचे कुछ ना बचे, कंपनी को कुछ भी है घाटा चाहे वाधा, कस्टमर पहल दे दते हैं मतलब यही। सर मतलब तुम्हारी सोच बहुत बढ़िया सर, आई लव इट एंड थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो गिव इट अ लाइक, कमेंट डाउन बिलो कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था वीडियो में। एंड आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पर कॉल करके आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, 10 से 15 मिनट में आपका ऑर्डर तैयार हो जाएगा एंड आप यहाँ पे आके भी इंजॉय कर सकते हैं। एंड अगर आप घर पे अपने मील्स इंजॉय करना चाहते हैं मेपल्स की तरफ से, तो आपको जोमेटो और स्विगी का लिंक है जो मेपल्स का, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इनकी इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लें, इनका मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में भी या स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा, तो मेरे भी इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए क्योंकि मैं आपको वहाँ पर अपडेट्स देता रहता हूँ। So that's it for this video. Bye bye for now. See you in the next video.